दुकान में मेरा जो रोल है वो एक सॉफ्ट नेगेटिव टाइप का है, और अच्छी मूवी की है मैंने और रितेश पांडे ने मिलके, रितेश पांडे वैसे भी आप लोगों को शायद मालूम होगा कि लीड रोल में है और मैं उसमें नेगेटिव शेड में हूँ लेकिन सॉफ्ट में हूँ। तो फिल्म के शूटिंग के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस था, और रितेश पांडे जी की बात की जाए, उन्होंने कई फिल्में की हैं और हमेशा ही हिट रही है, उनके गाने भी काफी हिट लिखे जाते हैं, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और पूरी टीम के साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान कहीं कोई दिक्कतें भी फेस करनी पड़ी आपको? देखिए दिक्कत तो नहीं आई, और बेसिकली रितेश पांडे अच्छे एक्टर हैं और अच्छे सिंगर भी हैं और काफी सपोर्ट किया उन्होंने और मुझे उनसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला है, और बेसिकली दिक्कत तो ऐसी कुछ आई नहीं क्योंकि हमारी यूनिट बहुत अच्छी थी, एक साथ में मिलके सबने काम किया है और खास करके हमारे जो डायरेक्टर है राजू चौहान, उनके सपोर्ट से हम लोग अच्छा ही करके आए हैं। रुद्रा फिल्म्स कंपनी जो है, क्या मोटो है पूरे? मोटो ये देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे भोजपुरी का जो ग्राफ है, मेरा मानना यही है, इस बैनर को खोलने का मतलब ये है कि भोजपुरी को और ऊंचे लेवल पे लेके जाना, क्योंकि मैं जब ये मूवी बनाने चला था या बैनर खोलने चला था तो मेरे डैडी ने एक ही बात बोली थी कि मूवी ऐसी बनाना कि मैं और तुम साथ में देखने जाएं। तो मेरा यही मानना है कि हम लोग भोजपुरी का जो ग्रेड है उसको और उठा के लेके जाए, ग्रेड तो है ही लेकिन और भी उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मेरा मोटो यही है कि रुद्रा फिल्म्स कंटिन्यू वो मूवी बनाएगी। तो रुद्रा फिल्म कंपनी से किस तरह की फिल्में और किस तरह की मैसेज फिल्में, क्या कुछ मतलब डिसाइड है किस तरह की फिल्में दर्शकों के बीच लाने की आपकी प्लानिंग होगी? देखिए अभी तो एक हम कंप्लीट करके आए हैं दिल तुझ पे कुर्बान, ये रोमांटिक मूवी है, और नेक्स्ट हम लोग अप्रैल में जा रहे हैं भैया नीलकंठ, ये एक्शन मूवी है, और जैसे वो कंप्लीट होगी तो आगे भी हमने सोच के रखा है क्योंकि बैक टू बैक हम 5 मूवी बनाने वाले हैं बैक टू बैक, और मोटो यही है कि एक ही थीम है हम लोगों का कि भोजपुरी के ग्रेड को ऊपर लेके जाना। सर सबसे पहले मैं आपका नाम आपके बारे में जानना चाहूंगी। नमस्कार, मैं आयुषी तिवारी और मैं इस फिल्म में लीड रोल कर रही थी रितेश के साथ में। तो आयुषी जी आपके किरदार की बात कीजिए, आपके किरदार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा जो किरदार था वो बहुत ही अच्छा था, एक नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, और नॉर्मल लड़की रहती है, कॉलेज के बहुत सारे सीन्स थे स्कूल का, और काफ़ी सारे शेड थे सीन्स में, रोमांटिक भी था, इमोशनल भी था, क्रूएल भी था, तो काफ़ी शेड मिलेंगे आपको देखने को इस मूवी में। तो रुद्रा फिल्म कंपनी की पहली मूवी जो आपने की है, ये फिल्म करने के बाद क्या लग रहा है, कितनी अच्छी फिल्म भोजपुरी की जगत में, कितनी अच्छी ये रुद्रा फिल्म कंपनी कितनी अच्छी फिल्मों को लेकर आएगा बैक टू बैक, और इस फिल्म ये फिल्म कितनी अच्छी लगेगी दर्शकों को? मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म आने के बाद भोजपुरी फिल्म में बहुत सारे सुधार आएंगे, क्योंकि ये फिल्म जो है वो बिल्कुल फैमिली ड्रामा है, रोमांटिक भी है, फैमिली भी है और एक्शन भी है। तो पहले क्या होता था, हम लोग फैमिली के साथ देखने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे कि पता नहीं कैसे सीन्स होंगे क्या होंगे, बट इस फिल्म में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल वर्गलिटी नहीं है, तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ नयापन दिखेगा इसमें। तो आयुषी अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखेंगे? जरूर देखेंगे। और इस फिल्म में पूरी टीम की बात की जाए, किस तरह से सबके साथ किस तरह की बॉन्डिंग? बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, और हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि शूटिंग पे आए हैं, आराम से शूटिंग हमने किया और कब खत्म हो गई शूटिंग पता ही नहीं चला, और हम लोग फैमिली की तरह वहाँ पे रहते थे, शूटिंग करते थे, फिर पैकअप होता था, और आते टाइम ऐसा लग रहा था कि फैमिली से दूर जा रहे हैं, आने का किसी का मन नहीं था वहाँ पे, सब लोग इमोशनल हो गए थे आते टाइम, इतना अच्छा लगा। कई बार शूटिंग पे जाते हैं तो ये लगता है कि जल्दी शूटिंग खत्म हो हम लोग घर जाए, बट यहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, शूटिंग मतलब नेक्स्ट शूटिंग कब जल्दी हम शूट पे आएंगे दोबारा। आप किसके अपोजिट हैं? आपके अपोजिट हीरो कौन है? रितेश जी के अपोजिट में हूँ मैं, और मेरे अपोजिट में क्या अभय जी भी हैं निगेटिव रोल में। कभी किडनैप किया उन्होंने आपको? मूवी में तो ऐसा सीन था नहीं। अभी जैसे पवन जी के साथ आपने शेर सीन किया था, ये रियल में शेर है? एक्चुअली वो हर मूवी की अलग अलग स्टोरी होती है, और हर मूवी एक एक्टर के लिए नया मूवी हमेशा नया ही होता है, तो वो मूवी का शेर अलग था, ये अलग है। क्या दोबारा इनके साथ काम करेंगे? बिल्कुल करूंगी, बहुत अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम काम किया था, बट इनको देख के लगेगा नहीं आपको कि इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्ट किया है, और एक्शन भी बहुत अच्छा किया था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। अबे जी सही बोल रही हैं? हाँ तो सही बोल रही है सर। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? अबे जी फिल्म रितेश जी के साथ काफी गाना भी आपने सुना होगा, कोई सबसे अच्छा आपको गाना कौन सा लगा रितेश जी का?
रितेश जी का देखिए एक ही गाना मेरे को याद है, हेलो कौन मैं हूँ, हाँ हेलो कौन हम बोल रहे हैं। ये गाना तो बहुत वायरल हुआ है सब। और कौन कौन से आपके साथ फिल्म में कर, लेकिन हमारी फिल्म में जो सॉन्ग है ना वो सॉन्ग इससे भी ज्यादा अच्छा है हेलो कौन से। लाइन बताइए। लाइन अभी बिकॉज शूटिंग अभी नहीं हुई है तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगी, बट मैंने एक दो बार सुना है। हम लोग आज रिहर्सल में भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं अक्सर देखते हैं भोजपुरी फिल्मों में रिहर्सल नहीं होती है, डायरेक्ट शूटिंग पे जाते हैं। टारगेट तो है बहुत सारे, देखते हैं लोगों का प्यार कितना मिलता है। अभय जी आपकी आवाज जो है वो खेसारी लाल यादव से काफी मिलजुल रही है जी, तो कहीं ना कहीं दर्शक एक बार धोखा खा जाएंगे कि ये तो खेसारी लाल की वॉइस सेटअप किया गया है क्या। नहीं मैं देखिए खेसारी लाल एक लीजेंड एक्टर है, अब वॉइस अगर मिल रही है तो अनफॉर्चुनेटली है खेसारी जी, मैं खेसारी जी के जैसा काम कर सकता हूँ लेकिन उनके जैसा डांस नहीं कर सकता मैं सर, वो अच्छे डांसर हैं। तो आयुषी अगर आपको मौका मिले तो आप अभय जी को डांस सिखाना चाहेंगे? बिल्कुल सिखाना चाहूंगी, और हम दोनों का एक गाना है भी इस फिल्म में तो पब्लिक को बहुत मतलब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, बहुत अच्छा गाना है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बना है मधुकर जी ने, और कितना एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने रखा है देखते हैं शूटिंग के बाद। आज फिर से कब पवन खेसारी साहब नजर आओगी किस फिल्म में? बहुत जल्दी आऊंगी, बहुत जल्दी कुछ नया न्यूज मिलेगा आप लोगों को। अभय जी और बाकी जो इंडस्ट्री के कलाकार हैं क्या उन लोगों के साथ भी आप काम करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, एज ए एक्टर मैं जरूर करूंगा काम सबके साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ रुद्रा फिल्म्स के लिए ही करूंगा, चांस मिलेंगे तो सबके साथ करूंगा मैं। सर आपका प्रोडक्शन के हिसाब से बड़े स्टार को लेके कुछ मूवी बनाने वाले हैं? जी जी, ये मेरी जो दूसरी मूवी है भैया नीलकंठ, इसमें जो इंडस्ट्री के टॉप के विलन है जैसे अमित शुक्ला जी हुए, संजय पांडे, इनके साथ में कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी तीसरी मूवी होगी उसके लिए हम बड़े स्टार के बारे में ही सोचेंगे सर। तो अभय तिवारी छोटे स्टार थोड़ी हैं? नहीं बेसिकली मैं छोटा स्टार बनने आया भी नहीं हूँ सर। क्या दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि प्यार तो बेसिकली मेरे को उन लोग से मिलेगा ही सर, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है और मेरे गाने भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है तो मैंने अच्छा काम किया तो जाहिर सी बात है सर दर्शक प्यार करेंगे ही, और बाकी दर्शक के ऊपर है सर, सर पे चढ़ाना जमीन पे उतारना तो उन लोगों का काम है सर। म्यूजिक पे कितना ध्यान दिया आपने फिल्म में? सर मेरे दो गाने इस मूवी में, तो मैंने रिहर्सल किया है, मैं डायरेक्ट ऐसे शूट पे नहीं चला गया था, मैंने रिहर्सल किया है, मैं आज भी जाऊंगा रिहर्सल पे, तो बिना रिहर्सल के सर मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। और कौन कौन से कलाकार हैं आप सर फिल्म में? दिल तुझ पे कुर्बान में, जी दिल तुझ पे कुर्बान में तो रितेश पांडे हैं, आयुषी तिवारी हैं, और अमित शुक्ला जी हैं, और समर्थ जी हैं, संगीता जी हैं, एजाज खान हैं, अच्छे एक्टर हैं सर इसमें। राजू जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, कितना भरोसा करते हैं? जी राजू चौहान जी पे बहुत भरोसा है मुझको सर, क्योंकि ये एक्टिंग कैसे करवाना है इनको बहुत अच्छे से मालूम है, मंझे हुए डायरेक्टर है हिंदी के ये, तो कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर मुझको। कभी सेट पे चिल्लाते हैं आपके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं? हाँ जी चिल्लाते तो हैं लेकिन थोड़ा धीरे से चिल्लाते हैं। चिल्लाते हैं बट क्या काम। आयुषी जी आप जिस तरह से अभी हंसी, ऐसी कोई ऐसा कुछ सीन आपको याद आया जहाँ पे इन्होंने कोई गलती की और राजू जी ने डांटा इसलिए आप हंस रही हैं? नहीं एक्चुअली एक्टिंग के टाइम पे बहुत सीरियस रहते हैं राजू जी या अभय जी कोई भी हो, बाकी टाइम हम लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं, बट जब कैमरा ऑन होता है तो सब सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल, और डायरेक्टर तो होता ही है डायरेक्टर के ऊपर, तो उस हिसाब से कभी कभी रहता है, बट बहुत अच्छे डायरेक्टर है, काम बहुत अच्छे से करवाए। दोनों तिवारी से मेरा सवाल है, डांस करना आप दोनों को बहुत अच्छा आता है, कल होली है तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे सर फिल्मों से? गुनगुनाना चाहेंगे? यस बिल्कुल। तो नहीं होली डांस में कैसे गुनगुनाएंगे? डांस करना आप बेहद पसंद करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन कुछ होली पे गुनगुनाना चाहेंगे दर्शकों के सामने आप, कोई भी गीत जो आपको होली का अच्छा लगा हो? सर देखिए बेसिकली तो हम लोग सिंगर नहीं है, हम भी आज गा दीजिए सर, मुझे तो वैसे मैं क्या सभी लोग गुनगुनाते होंगे अकेले में बैठ के बाकी कुछ करते होंगे। अबे मैं तो वैसे बाथरूम सिंगर हूं सर, वो ही गाइए बाथरूम में गाइए, कुछ जो गाना आपको पसंद आया हो बचपन से जो बाथरूम में गाते हो वो गाइए, होली का जो गाना आपको अच्छा लगा हो। तो आपको कैसे पता चला कि मैं बाथरूम में होली के ही गाने गाता हूं? आपने बोला कोई भी कोई भी छोड़ दो होली किस तरह मनाने वाला है ये बता दीजिए, चलिए होलिया में उड़े रे गुलाल गा दीजिए लीजिए।
कुछ गाइए सकते हो आयुषी? नहीं, आयुषी मुझसे अच्छी सिंगर है, ये सेट पे गाने बहुत गाती थी सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दर्शकों को बता कहाँ कराने में, फिल्म बनाने के कैसे मूड मूड गया आपको? देखिए मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं 8 साल पहले स्ट्रगल करके यहाँ से चला गया था, तो उस समय तो कुछ हुआ नहीं। फिर एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ तो फिर बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करने लगा, लेकिन सर होता है ना कि आपके अंदर अगर कुछ पैदाइशी गुण है तो वो दब जाएगा, लेकिन वो ज्यादा दिन के लिए नहीं दबेगा, वो फिर अपने आप उठेगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा, बिजनेस को मैंने खड़ा कर लिया तो मुझे लगा कि अब तो यह बिजनेस अपने आप चल जाएगा, तो अब मेरे जो शौक है जो मैंने दबा के रखा उसको करना चाहिए। तो फिर मैंने रुद्रा फिल्म्स ओपन किया, तो बेसिकली फिल्म में काम करना, एक्टिंग करना, ये तो मेरा पेशेंस था, लेकिन अब मजबूरी थी तो मैं बिजनेस में चला गया था, लेकिन फिर से मैंने 8 साल बाद कमबैक किया है। और फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फैमिली बैकग्राउंड में बेसिकली मेरे डैडी जो है इंडियन नेवी से फर्स्ट लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हैं, मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ हैं, और बाकी के जो दो भाई हैं मेरे वो बिजनेसमैन हैं, और मैं भी बिजनेसमैन ही हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ, अब मैं एक्टर बन गया। भोजपुरी में किसे हीरो गॉडफादर मानते हैं? भोजपुरी में मैं एक रवि किशन को मानता हूँ और हिंदी में मनोज वाजपेयी को। क्या रवि जी क्या कुछ खान पाते हैं अच्छी लगती है? रवि जी का यही है सर कि वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं, उनकी अगर एक्टिंग देखी जाए तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो बनावटी है, वो नेचुरल लगेगा और वही पसंद है मुझको। कहीं इसलिए तो नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं रवि जी? नहीं ऐसा नहीं है सर, उत्तर प्रदेश के तो बहुत लोग हैं, दिनेश लाल यादव जी भी उत्तर प्रदेश के, सब अच्छे एक्टर है, लेकिन होता है अपना एक गॉडफादर किसी को मानना, जिसको फॉलो करना, तो मैं उन्हीं को करता हूँ, रवि किशन जी को करता हूँ। तो बिजनेसमैन से एक्टर, एक्टर के बाद जैसे रवि किशन ने राजनीति में कदम रख दिया था, क्या आपका भी राजनीति में भी आने का कोई आपका? नहीं, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बिजनेस से एक्टिंग में चला आया हूँ, तब एक्टिंग से छोड़ के तो कहीं जाऊंगा नहीं मैं। ओके थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।